अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस फूड सीक्रेट। आज हम आपको बनाना बताएंगे घर पर किस तरह से टमाटो केचप तैयार की जाती है, जो कि जो बिना केमिकल के होती है और काफ़ी हेल्दी होती है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले ले लेंगे 2 किलो टमाटर और इसको चॉप कर लेंगे, इसको बारीक चॉप कर लेंगे और फिर एक पैन में इसको डाल देंगे। सबसे पहले 2 किलो टमाटर ले लेंगे और फिर इसको इस तरह से चॉप कर लेंगे और एक इसको पैन में फिर हम डाल देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 प्याज, 1/2 इंच ऐड करेंगे इसमें अदरक, 3 से 4 जवे लहसुन के ऐड कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 4 लौंग और 1 बड़ी दालचीनी। अब इसमें 1/2 कप पानी ऐड कर देंगे। अब इसे लो फ्लेम पर 20 मिनट के लिए कुक करेंगे अच्छी तरह से इसको कवर करके। अब टमाटर नरम हो गए हैं, इसमें से दालचीनी लौंग निकाल देंगे और सॉस को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अभी ठंडा हो गया है, इसको अब ग्राइंड कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और मेरा चैनल को लाइक नहीं किया अभी तक, तो आप मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको फौरन मिल सके। अब ये मिक्सर ग्राइंड हो चुका है, अब एक बड़ी छन्नी की मदद से इसको छान लेंगे ताकि इसके बीज अलग हो जाए। अब इसको एक पैन में हम डाल देंगे और फिर मीडियम हीट पर इसको कुक करने के लिए रखेंगे। 1 कप इसमें हम चीनी ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून इसमें पिसी हुई मिर्ची ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून इसमें हम नमक ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और कुक कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप सिरका। इसको 15 मिनट तक अब पकाएंगे ताकि इसमें जो पानी है वो खुश्क हो जाए, अच्छा सा एक टमाटो केचप रेडी हो जाए। अभी टमाटो केचप अगर इस तरह से होगा तो आप समझ जाएगा कि ये रेडी हो चुका है। टमाटो केचप हमारा रेडी है जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और फ्रेश है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और बच्चों को लाजमी दिएगा इसे। इसे आप हाई टी पर और स्नैक्स वगैरह के साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने रिलेटिव में लाजमी शेयर करिएगा।